कक्षा 9 के लिए हम आज पाठ पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी। यह कृतिका से लिया गया है और यह वस्तुतः नाटक है ना। तो नाटक एक विधा होती है, जैसे हमारे कहानी होती है, निबंध होते हैं, यात्रा वृतांत होता है। इसके पहले हमने यात्रा वृतांत पढ़ा था, है ना। तो ये विधा है नाटक। तो लेखक कई बार नाटक के माध्यम से मनोरंजक और प्रस्तुति के माध्यम से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। तो यहाँ नाटक के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं को, महिलाओं का समाज में आज जो स्थान है या जिस तरह की उनकी स्थिति है उसको बताने के लिए उन्होंने ये नाटक लिखा है। तो नाटक के माध्यम से लेखक ने समाज में रूढ़िवादी, आपको पता होगा हमारे यहाँ रूढ़िवादी उसे कहते हैं कि जो हमारी परंपराएं होती हैं, परंतु कई परंपराएं धीरे 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 बदल कर और रूढ़िवादिता में बदल जाती है। हम उनमें कोई संशोधन नहीं करते, कोई सुधार नहीं करते, जबकि समयानुसार हमें अपनी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में भी कुछ न कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, परंतु हम नहीं लाते हैं। 200-400 वर्ष पहले जो होता था, अब हमारी आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उस हिसाब से हमें परंपराएं तो वही रखना चाहिए, पर उनमें कुछ संशोधन कर देना चाहिए, परंतु हम संशोधन नहीं करते हैं। तो जो परंपराएं आदिकाल से चली आ रही हैं पर आज समय के, समाज के लिए वो उतनी उपयुक्त नहीं है, तो उन्हें रूढ़ी कहा गया है। तो रूढ़ीवादी जो हमारी मानसिकता है कि हम बिना सोचे समझे कि आज की स्थिति में वो उचित है या अनुचित है और उसी को बनाए रखते हैं, उसी का पालन करना चाहते हैं, तो ऐसी जो मानसिकता है उसको उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने बताया है कि आज भी हम में कई चीजों में कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि हम दिखाने के लिए प्रगतिशील हो गए हैं। बहुत सारे हमने परिवर्तन, जहाँ हमारी सुविधाएं थी, जहाँ भी लाभ मिलता है, वहाँ हमने परिवर्तन कर लिया है ना। तो यही वो बताना चाहते हैं। और दोहरा मापदंड कहते हैं जब एक ही व्यक्ति दो तरह की बातें करते हैं, किसी एक ही विचार पर या किसी एक ही स्थिति पर। वो मन से कुछ और होते हैं, बताते कुछ और हैं। जब समाज में या लोगों के सामने बातें करते हैं तो कुछ अलग तरह की बातें करते हैं, परंतु वही मुद्दा जब घर में होता है तो कुछ और तरह का व्यवहार किया जाता है या कुछ और तरह की बातें की जाती है। तो इस तरह के जो मापदंड होते हैं, हम इस तरह के व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं उनकी जो बातें होती है उसको कहा जाता है दोहरा मापदंड। तो उन दोनों को लेखक ने इस नाटक के माध्यम से यहाँ पर हमें बताया है कि लोग दिखाने के लिए समाज में या लोगों के सामने किस प्रकार के होते हैं, परंतु उनकी अपनी मानसिकता किस प्रकार की होती है। तो दोनों पक्ष बताए हैं। जैसे जो यहाँ पर फिर हम दूसरी बात देखते हैं कि नाटक में चरित्र है, जबकि हमने कहा कि कहानी में भी पात्र होते हैं, नाटक में भी पात्र होते हैं। तो यहाँ पर नाटक में पात्र है, उमा है, एक लड़की है जिससे संबंधित पूरा नाटक लिखा गया है, वह इस पूरे नाटक की मुख्य पात्र है। फिर उमा के पिताजी है, उमा के घर में एक नौकर है जिसका वर्णन आपको नाटक में मिलेगा कि वो वहाँ सब सजाता है, रखता है ना। उमा के पिताजी उसको निर्देश देते हैं कि लड़के वाले आने वाले हैं तो तुम क्या क्या करो। फिर शंकर है जो उमा को देखने आ रहा है, ये दूसरा प्रमुख पात्र है, ठीक है। फिर शंकर के पिताजी हैं जो एक वकील हैं। यहाँ वकील स्पेशली इसलिए लिखा है कि जो वकील होते हैं हम ऐसा कहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाते हैं, पेश भी करते हैं, है ना, सही गलत का निर्णय करने में सहयोग करते हैं, परंतु ये इनकी मानसिकता अलग है। इन्हें को वो वकील है पर इनकी मानसिकता अलग है। फिर उमा की माँ है जो नगण्य है, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ उनका सिर्फ इतना सा अस्तित्व है कि वो उमा की माँ है, ना उनका कोई निर्णय मान्य है न किसी तरह का कुछ मान्य है। तो ये हमारे पास 6 किरदार है, 6 चरित्र है, यहाँ उन्हें पात्र भी कह सकते हैं। तो पहला पात्र है उमा जो पढ़ी लिखी है, कॉलेज तक पढ़ी है। जब लेखक ने वो नाटक लिखा था उस समय में लड़कियों का कॉलेज तक पढ़ना या कॉलेज में रेगुलर जाना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो उमा कॉलेज तक पढ़ी हुई है। उमा के पिताजी हैं जो प्रगतिशील विचारधारा के हैं, लड़कियों का सम्मान करते हैं, तभी तो उन्होंने उमा को कॉलेज तक भेजा, इतना पढ़ाया लिखाया है ना। परंतु जो हमने दोहरे मापदंड की माँ बात की थी वो इनके पिताजी के चरित्र में हमें दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब वो उमा के लिए लड़का ढूंढते हैं और लड़के के पिताजी से
नहीं है, है ना। वो कई सालों से फेल हो रहा है, लड़कियों के पीछे भागता है, कई बार मार खा चुका है। उमा उसे पहचानती है और बाद में जब अति हो जाती है तब उमा उसके बारे में वर्णन करती है। वो हमारे पास ही यहाँ बाद में आया है ना, उजागर करने के लिए। तो शंकर के पिताजी हैं, उमा की माँ है, उनके बारे में मैंने बता दिया है। तो लेखक का नाटक का सार यह है कि एक लड़की है जो पढ़ लिखी है, कॉलेज तक पढ़ लिखी है, उसका विवाह करना है। उसके पिताजी एक लड़का खोजते हैं जिसका नाम शंकर है। तो आज उमा के घर शंकर और उसके पिताजी उमा को देखने आए हैं। उमा के पिताजी पूरी तैयारी करवाते हैं नौकर के द्वारा, है ना। उमा को तैयार किया जाता है, परंतु उमा पढ़ी लिखी और प्रगतिशील विचारधारा की वो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं या संदेशा करने में विश्वास नहीं करती है, और जो लड़कियों वाली दूसरी बातें होती हैं उनमें भी वो विश्वास नहीं करती है। तब भी उमा की माँ उसे जबरदस्ती साड़ी वाड़ी पहनाकर उन लड़कों के पिताजी के सामने लाती है। तो जब शंकर और शंकर के पिताजी उमा को देखते हैं तो उससे बहुत सारे प्रश्न करते हैं। वो बेचारी मन मार के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पिताजी की इज्जत का ख्याल है, अपने पढ़े लिखे होने का। पर जब उन्हें पता पड़ता है कि शंकर की और शंकर के पिताजी की मानसिकता है कि लड़की सिर्फ घर में एक नौकरानी की तरह लगे, उनका कहा माने, उनके घर के कामकाज करते रहे, पढ़ाई लिखाई से या आधुनिक विचारधारा से उसका कोई संबंध ना हो, इस तरह की उसका चरित्र अच्छा हो, जब इस तरह की बातें उसको पता चलती हैं तो उसका सब्र का बांध टूट पड़ता है। और वह शंकर के बारे में बताती है कि आप पहले अपने मेरे बारे में तो आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, अपने बेटे के बारे में जान जाइए। तो वो बेटे की बहुत सारी करतूतें बताती है और बाद में बोलती है कि आप अपने बेटे से पूछिए कि इसकी रीढ़ की हड्डी भी है कि नहीं है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी यहाँ आया है, जो लेखक ने यहाँ शीर्षक दिया है, वहाँ रीढ़ की हड्डी का मतलब है चारित्रिक मजबूती, कि उसका चरित्र कितना मजबूत है, वह कितना चरित्रवान है, उसमें कितने गुण हैं, वह किस तरह के आदर्शों का पालन कर रहा है। तो ये जिस तरह हमारे शरीर में, लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा महत्व रीढ़ की हड्डी का होता है, क्योंकि वो उसके आधार पर ये चल फिर सकता है, बैठ सकता है, अपने पूरे शरीर का संतुलन बनाए रख सकता है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है उसके लिए रीढ़ की हड्डी का महत्व है, और जो हमारा जीवन है उसमें हमारे चरित्र का महत्व है। तो चरित्र के महत्व को उन्होंने रीढ़ की हड्डी के माध्यम से दर्शाया है। तो उन्होंने ये बताया है कि लड़के के पास चरित्र नहीं है, वह खुद चरित्रहीन है, परंतु वह चाहता बहुत कुछ है, दूसरे लोगों से बहुत कुछ चाहता है परंतु खुद के पास कुछ भी नहीं। फिर अगला बिंदु है हमारा वर्तमान समय की विडंबना को दर्शाना। अब विडंबना, विडंबना किसे कहते हैं? कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? जैसे यहाँ पर उमा के पिताजी की विडंबना है कि वो प्रगतिशील है परंतु बेटे की पढ़ाई लिखाई को बता नहीं पा रहे हैं, बता देंगे तो शादी टूट जाएगी, है ना, तो वो असमंजस में है। तो ऐसी जब स्थिति होती है कि हम चाहते कुछ हैं, करना कुछ और पड़ता है, या हम कर कुछ और रहे हैं, चाहते कुछ हो रहे हैं, सामाजिक स्थितियाँ अलग हैं, हमारी सोचने की स्थिति अलग है, और उन सब में जब हम कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति को हम बोलते हैं विडंबना। तो यहाँ पर वर्तमान समय की यही विडंबना है कि व्यक्ति चाहता कुछ और है परंतु अपने आप को बताता कुछ और है। हमारे यहाँ पर भी है, हम हमारे समाज में देखें, हमारे आसपास देखें, तो हमें यही पता पड़ता है दो तरह की स्थिति है, दोनों उदाहरण होता है। कई लोग होते हैं जो लड़कियों को पढ़ा लिखा लेते हैं, है ना, लड़कियों का परिवार में सम्मान होता है, लड़कियों को सही दर्जा मिलता है, बराबरी का दर्जा मिलता है, परंतु जब उनकी शादी विवाह की बात आती है या समाज में बैठकर कोई बात करनी पड़ती है, और हम जब समाज का माहौल देखते हैं, लड़के वालों का माहौल देखते हैं, तो हम उस चीज़ को बता नहीं पाते, हम उन्हीं के अनुसार उसका पालन करते हैं। इसका विपरीत भी है, कई लोग अपने लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं, है ना, उन लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती, परंतु जब समाज में बैठते हैं तो बहुत प्रगतिशीलता की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो दोनों तरह के चरित्र हमारे समाज में मिलते हैं, जो करते कुछ और हैं और दर्शाते कुछ और हैं। तो यही वर्तमान समय की भी विडंबना है और इसी को उन्होंने रीढ़ की हड्डी के माध्यम से दर्शाया। फिर दोहरी मानसिकता को उजागर करना, हमारे यहाँ
या इसका विपरीत भी हो सकता है कि जब दूसरे के बच्चे ये सब कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, परंतु हम हमारे घर के बच्चों को वो सब नहीं करने देते हैं, है ना। दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। तो वह जो दोनों स्थितियाँ आई हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे बच्चों के साथ हमारा व्यवहार अलग है, परंतु हम जब समाज में उठते बैठते हैं, समाज में बात करते हैं, तो हम किसी और तरह की बात करते हैं। तो ये जो हमारी दोहरी मानसिकता है उसको भी यहाँ पर रेडियो के माध्यम से समझाया। महिलाओं के प्रति सम्मान व सद्भाव पैदा करने की कोशिश करना, लेखक ने यही कोशिश की है कि हमारे चरित्र में दोहरी मानसिकता नहीं होना चाहिए। हम जैसा हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, हम उनका क्रियाकलाप पसंद करते हैं, वही हमारे विचार बाहर के लिए भी होना चाहिए। बाहर के लिए या दूसरों के बच्चों के लिए अलग तरह की सोच और अपने बच्चों के लिए या अपने घर में अलग तरह की सोच, ये नहीं होना चाहिए। और आज महिलाओं को तथाकथित रूप से बहुत सम्मान मिला हुआ है। तथाकथित इसलिए कह रही हूँ कि आज भी अधिकांश घरों में महिलाओं को सिर्फ दिखाने के लिए ही सम्मान दिया जाता है। आज ना उनकी स्वनिर्णय की स्थिति रहती है, अधिकतर घरों में वो अपने मन से कुछ कर नहीं सकती हैं, अगर करना चाहे तो विरोध होता है ना। परंतु हम जब बाहर बात करते हैं तो हम बराबरी की बात करते हैं कि हमारे बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। फर्क होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति होती है वह अलग अलग होती है, परंतु उस प्रकृति के साथ न्याय होना चाहिए। उस बच्चे को या उस बच्ची को ये समझाना चाहिए कि यदि लड़के के लिए उपयुक्त है और हम आपको मना कर रहे हैं तो इस कारण से मना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वह समानता के स्तर पर आ जाए, परंतु हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ अवरोध लगाते हैं, तुमको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, या ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। तो वो जो स्थिति है, तो हम लड़कियों को सम्मान दें महिलाओं को और उनके प्रति अच्छे भाव रखें। हमारी यदि बहन है या हमारे परिवार के सदस्य है, उसको यदि कोई और कुछ करता है तो हम लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं, परंतु वही काम जब हम दूसरे की लड़कियों के साथ करते हैं तो हमें गलत नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा महिलाओं के प्रति सद्भाव नहीं है। यदि हमें सभी लड़कियां सभी महिलाएं सब सम्माननीय लगने लगेंगे तो हमारे यहाँ जितने आज हादसे होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो हमें सबके प्रति सम्मान का और सद्भाव का भाव रखना चाहिए, यह इस नाटक का उद्देश्य। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह नाटक समझ में आ गया होगा। इसे एक बार बहुत अच्छे से और पढ़िए, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, कोई पंक्ति समझ में नहीं आती तो लेखन ठीक कर लीजिए। इससे संबंधित जो मुझे लगता है कि आप प्रश्नोत्तर नहीं कर पाएंगे वह प्रश्नोत्तर और जो आसान है उन्हें ग्रह कार्य में मैं आपको PDF के द्वारा भिजवा दूंगी, आप उन्हें जरूर कीजिए। और इससे संबंधित यदि व्याकरण में कुछ देती हूँ तो उसको व्याकरण की कॉपी में कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी कॉपी बना ली होगी। जितना काम लिखित रूप में मैंने आपको सौंपा है या यहाँ खड़े होकर इसके माध्यम से आपको कहा है, वो सब काम आपने पूरा कर लिया होगा। मेरा दिया हुआ काम आप पूरा करते चले जाइए, इसी विश्वास से।